हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूबर बाय हेल्प। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि इस प्रकार के थंबनेल को इस प्रकार कैसे बनाया जाए, या इस प्रकार के फ़ोटो को इस प्रकार कैसे बनाया जाए, या एक शब्द में बोल सकता हूं कि अपने फ़ोटो या थंबनेल को कैसे इन्हेंस करें या कलर ग्रेडिंग करें। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको एक ऐप्स की ज़रूरत होगी जो हर यूट्यूबर के पास होता है, जिसका नाम है स्नैपसीड। अगर आपके पास नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर में जाएंगे, स्नैपसीड ऐप सर्च करेंगे एंड वहां पास से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो चलिए ओपन करते हैं और आपको बताते हैं कि अपने फ़ोटो या वीडियो को कैसे इन्हेंस करें, या कलर ग्रेडिंग करें, या खूब अट्रैक्टिव बनाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे ओपन करूँगा। मैं इसे ओपन करता हूं तो इस प्रकार कुछ मेरे इंटरफेस दिखेगा, आपके भी इसी प्रकार दिखेगा। तो यहां पास टैप करेंगे प्लस के आइकन पे, या ओपन का यहां ऑप्शन दिया है, यहां पास से भी क्लिक करेंगे तो दोनों ऑप्शन से आपकी गैलरी ओपन होगी। ठीक है, तो यहां पास से मैं क्लिक करता हूं, यहां पास मेरी सारी गैलरी खुल जाएंगी। अब मैं उस फोटो या थंबनेल को लूँगा जिसे मुझे एडिट करना है या कलर ग्रेडिंग करना है। तो चलिए मैं इस फोटो को लेता हूँ जिसे मैं एक थंबनेल बनाया हूँ। मेरा एक चैनल और है जिस पर हम एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, तो वहाँ से आप भी देख लीजिएगा कि हमारा थंबनेल किस प्रकार वहाँ पास रहता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो चलिए इसको एडिट करते हैं। देखिए, अभी ज़्यादातर आप थंबनेल जो बनाते हैं तो ज़्यादातर इसी प्रकार दिखता है। ठीक है, एक बार मैं जूम करता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ भी वहाँ पास नहीं करते हैं। ठीक है, पिक्सल लैब से बनाएं या किसी भी एप्लीकेशन से बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना कर लेंगे, उसके बाद नहीं कर पाते हैं, जैसे मैं अभी किया हूँ। ठीक है, मैं जो लिखा हूँ वो अच्छा दिख रहा है, जो मैंने इसमें कलर यूज किया हूँ वो भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन जो फ़ोटो इसमें दिया है, फ़ोटो से थोड़ा सा ये थंबनेल कम अच्छा लग रहा है, तो इसे किस प्रकार एडिट करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पास एक पेंसिलिंग का ऑप्शन दिया है, यहाँ पास अगर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, तो इससे हम अपने थंबनेल को कलर ग्रेडिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसमें स्ट्रोक देता हूँ, क्योंकि ये जो बॉर्डर दिया है इसमें बॉर्डर नहीं लगा है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, बॉर्डर देता हूँ। तो जाऊँगा पेंसिलिंग के ऑप्शन में, फ्रेम पे जाऊँगा, तो यहाँ पास से मैं अपना फ्रेम चूज कर लूँगा। देखिए, यहाँ पास बहुत सारे फ्रेम दिए हैं, लेकिन जो काम का है ये मेरे काम का है, ब्लैक वाला ये। तो यहाँ पास से मैं अपने थंबनेल में चूज करूँगा फ्रेम। देखिए, यहाँ पास ये जो इसका फ्रेम दिया है ये बहुत मोटा है, तो इसे कम कैसे करेंगे या ज़्यादा करेंगे कैसे करेंगे। देखिए, अगर इसे राइट साइड में करेंगे तो ये ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर इसे लेफ्ट साइड में करेंगे तो ये कम होगा, तो मैं इसे कम कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा कर लूँगा तो ये जो मैंने लिखा हूँ थंबनेल में वो सब नहीं दिखेगा। तो चलिए इसको मैं कम करता हूँ और मैं इसे ले जाता हूँ इतने पर। देखिए, इतने फ्रेम में किया हूँ तो मेरा थंबनेल अच्छा लगने लगा है अभी से ही। अगर मैं और ज़्यादा कर दूँगा या कम कर दूँगा तो मेरा थंबनेल थोड़ा से ये जो लिखा है ये क्या हो जाए, दिखेगा नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ इस पर इतना कर दे रहा हूँ और इस पर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब देखिए, अगर यहाँ पास टाइप करे रहेंगे तो जैसे आपका पहले थंबनेल रहेगा उस प्रकार दिखेगा, और छोड़ देंगे तो अब जितना एडिट कर लेंगे उतना दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पास से मैंने पहले ही स्टेप पर मैं अपने थंबनेल को कुछ अच्छा दिखने लगा मेरा थंबनेल। ठीक है, केवल मैं इसमें तीन टूल का यूज करूँगा, अगर आप पूरा टूल जानना चाहते हैं तो लिंक में देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसका ट्यूटोरियल बना लिया हूँ, अभी अपलोड नहीं किया हूँ। जिस प्रकार जैसे ही अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पास मैंने इस पूरे ट्यूटोरियल दिया हूँ, कौन ऑप्शन से क्या हो रहा है उसका पूरा दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले जो काम की बात है उसे करते हैं। देखिए, यहाँ पास टून इमेज पर जाऊँगा, तो यहाँ पास से मैं अपने थंबनेल को सैचुरेशन और कंट्रास्ट जितने भी हैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। देखिए, ब्राइटनेस पहले इसमें दिया है तो ब्राइटनेस का मुझे कोई काम नहीं। अगर देखिए, एक बार अगर ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ तो ये मेरे थंबनेल को थोड़ा सा ब्राइट कर रहा है। देखिए, फेस भी क्या कर रहा है, फेस को सफ़ेद कर रहा है, तो यहाँ पास मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे हल्का 1-2% बढ़ाऊँगा, उसके बाद फिर दूसरे ऑप्शन पर जाऊँगा। कंट्रास्ट का मतलब ये होता है कि आपकी जो इमेज है वो कलर जो है थोड़ा सा इसे इन्हेंस करेगा। ठीक है, इसे मैं थोड़ा सा करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, अगर ज़्यादा कर दूँगा देखिए मेरा फेस किस प्रकार दिखने लगा है। देखिए, इसलिए ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, अपने इमेज और फ़ोटो के हिसाब से इतना रखना है कि वो फ़ोटो आपका ज़्यादा लाइट भी ना लगने लगे या ज़्यादा कम ना लगने लगे। ठीक है, तो अपने इमेज के हिसाब, जैसे मैं अभी हूँ इतना कर दूँगा तो मेरा फ़ोटो पहले से भी ख़राब दिखने लगा है, तो मैं इसे क्या करूँगा, हल्का सा करूँगा,
ठीक है। उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे जाऊंगा, सैचुरेशन पे जाऊंगा। सैचुरेशन का मतलब भी यही होता है कि अब जितने भी हमारे कलर दिए हैं उसे क्या करेगा, बढ़ा देगा। देखिए अगर मैं इसे इंक्रीज करूंगा तो देखिए जितने भी मेरे कलर दिए थे सब क्या हुए, इन्हेंस हो गए, बढ़ गए मेरे कलर जितने भी थे वो क्या हुए, पहले से कुछ अच्छा दिखने लगा। तो इसे भी ज़्यादा नहीं रखूँगा क्योंकि अगर इसे बढ़ाएंगे तो ये हमारा फेस को रेड कर देगा, ठीक है। तो इसे मैं भी ज़्यादा नहीं करता हूँ, तो यहाँ पास इतना करूँगा। देन उसके बाद दूसरे ऑप्शन पे जाऊँगा, ये ऑप्शन आपके लिए काम का नहीं है। और एक टेम्परेचर का ऑप्शन दिया यहाँ पास दिया है, तो यहाँ पास इसे मैं क्या करूँगा, डिक्रीज करूँगा, क्योंकि अगर मैं इसे इंक्रीज करता हूँ तो देखिए मेरा फेस क्या कर रहा है, एकदम येलो कर दे रहा है, ठीक है। इसे मैं डिक्रीज करूँगा तो अब देखिएगा मेरे थंबनेल किस प्रकार दिखेगा, देखिए कितना अच्छा दिखने लगा अभी से ही। ज़्यादा इसको भी नहीं अगर डिक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर डिक्रीज करते हैं तो अपना हमारा फेस जो है इसमें ब्लू कलर ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो इसे ज़्यादा नहीं करते हैं, इतना रखते हैं। देन इसके बाद इस पर क्लिक करते हैं, देखिए अब दिखाता हूँ कि पहले मेरा थंबनेल किस प्रकार था अब किस प्रकार है। यहाँ पास वन बार क्लिक करे रहेंगे तो देखिए इस प्रकार पहले मेरा थंबनेल था, अब किस प्रकार हो गया, इस प्रकार हो गया। तो बहुत चेंज आया है, थोड़ा सा और इसे चेंज करते हैं। बस एक टूल का और यूज करूँगा, एक दो टूल, ज़्यादा नहीं। यहाँ पर डिटेल पर जाऊँगा, डिटेल पर जाने के बाद यहाँ पास से मैं दो ऑप्शन मुझे मिलते हैं, स्ट्रक्चर एंड शार्पनिंग का। तो मैं स्ट्रक्चर को देखते हैं, बढ़ाते हैं क्या होता है। देखिए मैं स्ट्रक्चर को जैसे ही बढ़ाया, मेरा फेस देखिए फेस पे कितना ज़्यादा इसमें, अगर आपका फेस अगर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो इसमें ऐसा दिखेगा कि कुछ इसमें फेस पे आपके लग गया है। अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे तब, अगर इसे मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा तो मेरा फेस भी अच्छा दिखेगा और ख़राब नहीं दिखेगा। तो यहाँ पास मैं इसे 1 या 2% करता हूँ, देखिए। अब इसमें दूसरा ऑप्शन है शार्पिंग का, तो शार्पनिंग का है। तो यहाँ पास मैं इसे क्या करता हूँ, इंक्रीज करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा इसका भी, क्योंकि अगर ज़्यादा मैं इसमें भी कर दे रहा हूँ तो देखिए मेरे किस प्रकार फेस हो जा रहा है। अगर मैं इसे खूब कम करूँगा तब भी मेरा फेस नहीं दिखेगा, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा करूँगा, लेकिन उसके बाद क्लिक करूँगा राइट पर, अब देखिए मेरे थंबनेल किस प्रकार दिख रहा है पहले से, ठीक है। अब एक ऑप्शन और है, उसका यूज करेंगे, लेकिन उसके बाद अब बताएंगे अपने फ़ोटो को किस प्रकार एडिट करेंगे, ठीक है। यहाँ पास एक सिलेक्टिव का ऑप्शन दिया है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे ध्यान सुनिएगा, मैं यहाँ पास प्लस पे क्लिक करके कहीं भी अपने कलर को इन्हेंस कर सकता हूँ। जैसे मैं ग्रीन कलर को इन्हेंस कर रहा हूँ तो यहाँ पास मैं करूँगा, यहाँ पास एक बार क्लिक करूँगा, यहाँ पास प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पास क्लिक करूँगा। अब देखिए थोड़ा सी अपने स्क्रीन पर कहीं भी टाइप कर ऊपर या नीचे करेंगे तो यहाँ पास 4 ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। कैसे कर लाना है, अगर यहाँ पास करते रहेंगे तो नहीं आएगा। यहाँ पास केवल इस प्रकार कर रख कर कहीं भी स्क्रीन पर टच करके थोड़ा सा ऊपर करना है इस प्रकार, देखिए ये होने लगा है। तो अब देखिए यहाँ पास अपने जो मेरा ग्रीन कलर है इसमें सैचुरेशन डालते हैं और ग्रीन कलर को और अच्छा बनाते हैं। राइट साइड क्लिक इसके स्क्रॉल करेंगे, देखिए मेरा जो ग्रीन कलर था पहले किस प्रकार था, पहले इस प्रकार था। अब मैं इसके इन्हेंस कर दिया हूँ तो अब मेरा ग्रीन कलर कुछ अच्छा दिखने लगा, ठीक है। यहाँ पास क्लिक करेंगे, और कुछ भी करना है तो कर सकते हैं। जैसे मुझे फेस पे और लाइट लाना है तो यहाँ पास एक बार क्लिक करूँगा टैब पर, अपने फेस पर रखूँगा, देन उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल स्क्रीन पर रख कर स्क्रॉल करूँगा। अब इस सैचुरेशन का थोड़ा सा इसे बढ़ाएंगे, यहाँ पास से देखिए मैंने सैचुरेशन को बढ़ाया। अब देन उसके बाद फिर से यहीं पास क्लिक कर एक बार क्लिक करेंगे स्क्रीन पर, ऊपर करेंगे। अब इस ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, देखिए मेरा चेहरा, देखिए अब मैं अपने लिप्स को थोड़ा रेड कर रहा हूँ। तो यहाँ पास फिर से जाऊँगा, यहाँ पास क्लिक करूँगा, देन इसके बाद यहाँ पास क्लिक करूँगा, देन उसके बाद सैचुरेशन पर जाऊँगा, इंक्रीज करूँगा, देन उसके बाद अब देखिए लिप्स मेरा देखिए अब किस प्रकार दिखने लगा, पहले किस प्रकार दिख रहा था इस प्रकार, अब थोड़ा इन्हेंस हुआ है, कलर इसमें आया है, ठीक है। तो यहाँ पास अगर कहीं भी आप अगर कलर को इन्हेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पास सिंपली यहाँ जाएंगे, सिलेक्टिव पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद कहीं भी रखेंगे। जैसे यहाँ पास रखूँगा, बस अपने स्क्रीन पर रखना है, एक बार टाइप करना है, आपको सैचुरेशन स्ट्रक्चर या ब्राइटनेस कुछ भी बढ़ाना है तो यहाँ पास से आप बढ़ा सकते हैं। जैसे मैं सैचुरेशन को बढ़ाऊँगा, इसे अगर मैं इंक्रीज करूँगा तो देखिए मेरे कलर किस प्रकार हो गया, पहले किस प्रकार था अब किस प्रकार हो गया। क्लिक करेंगे ये राइट पर तो देखिए मेरे यहाँ पास अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पास इस प्रकार, पहले इस प्रकार था अब किस इस प्रकार दिखने लगा मेरा थंबनेल। तो देखिए कितना मस्त यहाँ पास मैंने थंबनेल को अच्छा बनाया, ठीक है। सेव करना है तो यहाँ पास से जाएंगे, सेव करेंगे,
देन उसके बाद ये मैंने इसमें पांच टूल का यूज किया है, तो इसमें पांच टूल दिखाएगा, उसके बाद आपके गैलरी में चला जाएगा, यहाँ पास देख सकते हैं चला जाएगा, ठीक है आपकी गैलरी में। अब आते हैं अपने फ़ोटो को कैसे एडिट करें, ठीक है। देखिए मैं एक ग्रुप का फ़ोटो ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पास मैं आपको दिखा पाऊँगा कि किस प्रकार मैं इसमें एडिट करूँगा, क्योंकि अगर जैसे एक ही फ़ोटो करूँगा तो ज़्यादा अच्छा भी दिखा दिया हूँ, लेकिन आप दिखाते हैं जैसे ग्रुप में फ़ोटो करेंगे तो किसी का फेस ज़्यादा ब्लैक होता है, किसी को वाइट होता है, और कहीं कहीं लाइट ज़्यादा आती है, कहीं कम आती है, तो उसे किस प्रकार एडिट करेंगे यहाँ से, तो उसे देखते हैं। देखिए यहाँ पास जैसे मेरे ग्रुप का फ़ोटो है, तो अब देखिए कहीं पास लाइट ज़्यादा है, कहीं कम है, किसी का फेस ज़्यादा वाइट है तो किसी का थोड़ा सा ब्लैक है, तो उसे किस प्रकार एडिट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पास से मैं इमेज टूल पर जाऊँगा, टून इमेज पर जाऊँगा, देन उसके बाद यहाँ पास से मैं इसे कंट्रास्ट को, क्योंकि ब्राइटनेस को नहीं बढ़ाऊँगा, ब्राइटनेस पहले से ज़्यादा है, तो मैं इसे कंट्रास्ट को थोड़ा हल्का से बढ़ाऊँगा, क्योंकि अगर ज़्यादा बढ़ा दूँगा तो देखिए मेरा फेस किस प्रकार ख़राब दिखने लगा है, तो मैं इसे ज़्यादा नहीं थोड़ा सा बढ़ाऊँगा। देन उसके बाद यहाँ सैचुरेशन पर आएँगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ सैचुरेशन का मतलब ये होता है कि हम जो हमारा कलर दिया है, जितने भी हमारे फोटो में कलर हैं सबको इन्हेंस करेगा, सबको बढ़ा देगा, ठीक है। देखिए सभी के जितने भी मेरा कलर है सबको क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, तो यहाँ पास से मैं इसे करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पास एक टेम्परेचर का ऑप्शन दिया है, यहाँ पास इसके डिक्रीज करेंगे, क्योंकि अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारा फेस पे येलो कलर आ जाएगा पूरे बैकग्राउंड में, अगर इसे मैं डिक्रीज करूँगा तो देखिए मेरा फेस इस प्रकार दिखने लगा है, थोड़ा इसमें अच्छा टून आया है, ऐसा लग रहा है जैसे मौसम अच्छा है, तो उस प्रकार यहाँ पास खींचा गया है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने धूप में फ़ोटो खींचा है। देखिए इसे मैं थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ, देखिए अब दिखाता हूँ, पहले हमारा फ़ोटो इस प्रकार था, अब केवल एक ही एक ही ऑप्शन से इतना ज़्यादा हमारे फ़ोटो में आ गया है डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पास से मैं इसे फिर से अब दूसरे वाले टोन पे जाऊँगा, यहाँ पास से जाऊँगा डिटेल पे जाऊँगा, यहाँ पास से जो दो ऑप्शन हमारे दिए हैं यहाँ पास से थोड़ा इंक्रीज करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा, नहीं आपकी फ़ोटो भी ख़राब होगी, ठीक है। तो यहाँ पास से मैं इसे कर दिया, दें इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पास से अब जो आपका ऑप्शन दिया है फ्रेम, यहाँ पास लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, क्योंकि फ्रेम ज़्यादातर अच्छा उसी में लगता है अपने थंबनेल में, अगर लगाना चाहेंगे तो कहाँ से लगाएंगे, यहाँ फ्रेम पे जाएंगे, इसके बाद यहाँ पास क्लिक करे रहेंगे। अब इसे आपको कितना रखना है अपने हिसाब से, यहाँ पास से अगर लेफ्ट साइड में करेंगे तो ये हमारा जो फ्रेम है वो इसका कम होगा, अगर राइट में करेंगे तो फ्रेम ज़्यादा होगा, तो मुझे कम रखना है तो मैं लेफ्ट साइड में करूँगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में किए हैं इतना मैं रख दिया, उसके बाद इस पर क्लिक कर दूंगा। अब सिलेक्टिव पर आते हैं, क्योंकि वहीं से आपका ऑप्शन अच्छे से सब मिलेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पास जो हमारा दिया है यहाँ पास हमें ग्रीन कलर का लाना है, तो कैसे लाएंगे, कहाँ से लाएंगे, सिलेक्टिव में जाएंगे वहीं से आएगा। देखिए यहाँ पास है तो इसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, देखिए ये थोड़ा ऐसा लग रहा है वाइट एंड येलो कलर का दिख रहा है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, अब इसे मैं ग्रीन बनाता हूँ, तो यहाँ पास जाऊँगा सिलेक्टिव पे क्लिक करूँगा, यहाँ पास एक बार क्लिक करूँगा, मुझे सैचुरेशन बढ़ाना है, क्योंकि सैचुरेशन ही ऐसा ऑप्शन है जो हमारा कलर को और बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पास मैं एक बार क्लिक करूँगा, स्क्रीन पर कहीं भी क्लिक करके ऊपर खसकाएंगे तो यहाँ पास से सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। सैचुरेशन को करता हूँ मैं बढ़ा देता हूँ, देखिए सैचुरेशन को मैंने बढ़ाया तो यहाँ पास से ग्रीन कलर आने लगा, ठीक है। अब कंट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ाएंगे, यहाँ पास क्लिक करेंगे, कंट्रास्ट पर जाएंगे, इसको भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। और देखिए दिखाता हूँ पहले और अब, पहले किस प्रकार था, इस प्रकार था, अब इस प्रकार दिखने लगा, ठीक है। तो और मुझे कुछ बढ़ाना है, जैसे मुझे अपने टी शर्ट का कलर और रेड करना है, तो यहाँ पास मैं जाऊँगा सिलेक्टिव पर क्लिक करूँगा, देन उसके बाद यहाँ पास क्लिक रहूँगा, यहाँ पास देखिए प्लस का आइकन अभी क्या नहीं दिख रहा है, यहाँ पास क्लिक रहेगा तभी हम कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास मैं क्लिक करूँगा, इसके बाद इसे इसका भी सैचुरेशन क्या करूँगा, बढ़ाऊँगा, ठीक है। सैचुरेशन को मैंने देखिए बढ़ाया, अब मेरी टी शर्ट कलर और अच्छा लग लेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पास देखिए धूप भी आ रही है, तो यहाँ पास एक तरफ अच्छा दिख रहा है, एक तरफ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पास फिर से यहीं पास क्लिक करेंगे, यहाँ पास क्लिक करेंगे, यहाँ जो आप जो इसमें ब्राइटनेस है इसे थोड़ा सा हल्का कम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्लिक करेंगे, देन उसके बाद ब्राइटनेस इसे हल्का कम कर देंगे, अब देखिए पहले से कुछ अच्छा दिखने लगा है। तो यहाँ पास मैं अब क्लिक करूँगा इस पर, अब मुझे फेस पर कुछ भी लाना है वाइट या कुछ भी, तब मैं कैसे करूँगा, सिलेक्टिव में जाऊँगा, देन उसके बाद यहाँ पास से कहीं भी क्लिक करूँगा, इसका कलर देखिए अभी इन्हेंस होगा, देखिए अब देखिए इसका अगर मैं
कलर बढ़ा रहा हूँ तो और जो सारे हैं इसके ज़्यादा हो जा रहे हैं, तो इसमें ब्राइटनेस में कम कर रखता हूँ, क्योंकि इसीलिए मैं ग्रुप फ़ोटो लिया हूँ, क्योंकि यहीं पास है जो कई लोग हैं और फेस का कलर भी अलग अलग है, तो अच्छे से यहाँ पास मैं आपको समझा सकता हूँ, इसलिए मैंने ग्रुप का फ़ोटो लिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद यहाँ पास से अगर मुझे ग्रीन कलर को और इन्हेंस करना है तो मैं यहाँ पास क्लिक करूँगा, देन उसके बाद यहाँ सेलेक्टिव पे जाऊँगा, यहाँ पास ग्रीन कलर जो दिया है मैं यहाँ पास एक बार क्लिक करूँगा। अब यहाँ पास मैं सैचुरेशन को बढ़ाऊँगा, ठीक है, सैचुरेशन को बढ़ाऊँगा। देखिए मेरे जो ट्री का है कलर, ये क्या हो रहा है, इन्हेंस हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा कर देंगे पीला दिखने लगेगा, क्योंकि फूल भी अभी इसमें लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पास मैं इसे ओके कर दे रहा हूँ। अब देखिए मुझे अगर कहीं कहीं ज़्यादा ब्राइटनेस आ रहा है तो उसे किस प्रकार कम करेंगे, तो वहाँ पास देखिए, जैसे यहाँ पास मुझे क्या करना है, ब्लैक कर देना है पूरा, ये जो ऊपर का दिया है पट्टी से क्या करना है, ब्लैक करना है। तो मैं यहाँ पास सिलेक्टिव पे जाऊँगा, देन उसके बाद यहीं पास क्लिक करूँगा, यहाँ पास मैंने क्लिक किया और ब्राइटनेस को एकदम कम कर दे रहा हूँ। देखिए ब्राइटनेस को कम कर दे रहा हूँ, एकदम कम कर दे रहा हूँ। यहाँ पास देखिए ब्लैक हो गया, जो मेरा वाइट कलर था वो क्या हो रहा है, ब्लैक हो रहा है। अब यहीं पास फिर से क्लिक करके यहीं इधर भी क्या करूँगा, इसके कम कर दूंगा। देखिए इधर क्या हुआ, ब्लैक हो गया, उसके साथ ही साथ मेरे फेस पर भी आ रहा था इसका कलर, तो ये क्या हुआ, मेरा फेस भी थोड़ा से यहाँ पास देखिए, ये यहाँ पास मेरा फेस भी थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक दिखने लगा है। ठीक है, ऊपर का कलर हमने वाइट था उससे क्या किया है, ब्लैक किया है, तो यहाँ पास से आप देख सकते हैं। ठीक है, कि क्यों किस प्रकार हमने सेलेक्टिव का ऑप्शन यूज कर हम किसी भी कलर को इन्हेंस कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास भी अपना थंबनेल एक बार पीछे जाएंगे, क्योंकि हम उसे नहीं रखना चाहेंगे, तो अंडू पर जाएंगे, और अब देखिए हमारा पहले फ़ोटो किस प्रकार था, अब फोटो किस प्रकार है। यहाँ पास मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा फ़ोटो पहले किस प्रकार था, अब किस प्रकार है, इसे थोड़ा और जूम कर रहा हूँ। अब देखिएगा, देखिए पहले किस प्रकार था, अब किस प्रकार है। तो आई होप आज की वीडियो में आप ये सीखे होंगे कि अपने थंबनेल को कैसे अच्छा बनाएंगे, क्योंकि सभी लोग टेस्ट तो लिख लेते हैं, फ़ोटो भी सेट कर लेते हैं, लेकिन उसे कलर ग्रेडिंग नहीं कर पाते हैं, जिससे उनका थंबनेल अच्छा बनने के बावजूद भी अट्रैक्टिव नहीं दिखता है। तो इसके बाद वाले वीडियो में मैं इसका ट्यूटोरियल स्नैपशीट का लाऊँगा, जिसमें पूरे ऑप्शन यहाँ पास जो दिए हैं इन ऑप्शन से क्या क्या होता है, क्योंकि हमने इसमें चार ही ऑप्शन का यूज़ कर अपने थंबनेल को अच्छा बनाया है। अगर हम इस पूरे को देखेंगे तब हमारा कितना अच्छा दिखेगा थंबनेल, तो उसको हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर। तो अभी तो बना है लेकिन एडिट नहीं हुआ है, तो वहाँ पास एडिट करके जैसे ही मैं डाल दूँगा, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, एक बार चेक कर लीजिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या मेरे चैनल पर चले जाइएगा, होम पेज पर आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद।